एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और यूट्यूबर्स इंस्पायर्ड मेकअप लुक, एंड दिस लुक इज़ इंस्पायर्ड बाय, टाइटल से पता चल गया होगा आपको, बाय शाय स्टाइल्स। शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड उनके लुक को मैच करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इवन इनफैक्ट आई नो स्टिल नाउ आई हैव नॉट मैच दैट लेवल, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिक्रिएट दिस लुक विच शी हैज़ क्रिएटेड ऑन द लास्ट क्रिसमस। एंड होप ये वीडियो वो नोटिस कर लें, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन हाई। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, my link is in the description box. without any further ado, let's get started. सबसे पहले उन्होंने use किया है moisturizer and facial oil. मेरे पास as वो look जो है वो winters का था, that's why उन्होंने heavy moisturize किया है अपने face को, but लेकिन मैं summers में ये recreate कर रही हूँ, that's why मैं ज़्यादा heavy use नहीं करने वाली हूँ. इनफैक्ट माई स्किन इज ऑल्सो ऑयली, तो मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए अपने फेस पर हमेशा एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज़ दैट. She has used Maybelline Fit Me foundation, matte poreless foundation. I am in the shade 322, so मैं भी same use करने वाली हूँ because I have that and it's my favorite foundation. That what she has done is इसमें उन्होंने facial oil के कुछ drops pour की हैं, but लेकिन मेरे पास है नहीं facial oil, so I'm not gonna use anything. मैं इसे directly अपने face पे apply कर रही हूँ. After this, उन्होंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर. आई एम हैविंग कलर एसेंस आई एम हैविंग रेवलॉन का कंसीलर, सो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया. आई डोंट हैव द सेम ब्रांड वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, बट मेरे पास मेबलिन वाला है. उसके बाद उन्होंने अपनी ब्राउज को फिल करने के लिए फ्रीडम का ब्राउ मेट समथिंग कुछ यूज किया है. आई डोंट हैव द सेम ब्रांड. ये पता है प्रॉब्लम यही होती है जब आप न्यू होते हो ना किसी फील्ड में, आपके पास हर चीज़ नहीं होती है अवेलेबल. सो जैसे तैसे जो भी चीज़ है उनसे मैं करने की ट्राई कर रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई ब्रॉन्ज हाइलाइटर, ब्रॉन्ज पैलेट, एंड इसमें से जो डार्केस्ट ब्राउन शेड है ना उसको यूज़ करके, एंड उसको थोड़े से ब्लैक आई शेडो वाले शेड में मिक्स करके देन मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ. उसके बाद आई शेडो के लिए उन्होंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का रिडम्पशन पैलेट, बट आई डोंट हैव दैट, बट मेरे पास मिस रोज़ का पैलेट है, उसमें बहुत सारे शेड्स हैं. सो जो शेड्स उन्होंने यूज़ की है मैं उनको मिक्स मैच करके एंड देन आई डू दैट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्राउन शेड. उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक येलो शेड पिक किया है एंड उसको एज अ सेकेंड ट्रांजेक्शन शेड यूज़ किया है. मेरे पैलेट में एज सच येलो कलर नहीं है, बट थोड़ा उससे मिलता जुलता जो भी कलर है मैं उसको यूज़ करके एंड देन आफ्टर दैट शी हैज़ यूज अ ग्रीन, मैट ग्रीन कलर, एंड देन उन्होंने अपनी मैट ग्रीन कलर से अपनी लिड को कवर किया है. After that, what she has done is उन्होंने दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे. सो आई एम ऑल्सो गोना डू द सेम. देन उन्होंने गोल्डन शेड पिक की है. एंड जो मैट डार्क ग्रीन शेड थी उसको उन्होंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है, सो लेट्स डू दैट एज वेल.
बाद उन्होंने लिया हाफ एंड हाफ का ग्लिटर लाइनर, ग्रीन कलर का नहीं है मेरे पास. सो व्हाट आई विल डू इज, जो ग्रीन कलर की ग्लिटरी आई शेडो है उसको मैं ये पेंसिल ब्रश की हेल्प से पिक करूँगी एंड देन उससे अपना लाइनर ड्रॉ करूँगी. लेट्स सी इफ इट वर्क्स, देन दैट्स अ हैक. इफ इट डोंट देन नो प्रॉब्लम. उसके बाद उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है मस्कारा एंड देन मस्कारा को अच्छे से कोट करने के बाद उन्होंने यहाँ पे फॉल्स लैशेस भी अप्लाई की है. आई हैव पुट द ग्लू ऑन द लैशेस, उसको कम से कम 2 से 3 मिनट मुझे रखने देना है. इतने मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं लैशेस लगाऊंगी पर बाद में. उसके बाद उन्होंने यूज़ किया है एसेंस का ब्लश. एसेंस का डुओ आई शेडो इन दी शेड समथिंग, बट मेरे पास वो नहीं है. मेरे पास नायका का हाईलाइटर है सो मैं वो ही यूज़ करूँगी. आफ्टर दैट शी हैज़ गिवन टू लिप ऑप्शन, एक ऑरेंज एंड एक डार्क रेड में. मुझे ऑरेंज शेड लिटरली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है सो आई एम गोइंग टू गो फॉर द सेकेंड शेड ऑफ लिप एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंस्पायर्ड लुक अच्छा लगा होगा. इफ यू डिड देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.